तुम कहाँ भाग रही हो? मेरी बच्ची कहाँ है? सभी जी, अरे देखो देखो, इसके आई बाबा के जेल में जाते ही चुपचाप बिल से बाहर आ गई। अब बता मेरी सही कहाँ है। सभी, तू बताना इनको कि तुमने इनकी बच्ची को किडनैप नहीं किया है। ये जो मर्जी आए बोले जा रहे हैं तुम्हारे बारे में। बताओ इनको कि तुमने इनकी बच्ची को किडनैप नहीं किया है। नहीं ताई, मैंने इनकी बच्ची को किडनैप किया है। देखा रजत, इसकी आई बाबा को दो डंडे क्या पड़े, इसने सच बोलना शुरू कर दिया। अब चुपचाप बता क्या किया तूने मेरी बेटी सई का, और कहाँ है वो? वो हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ मेरी बेटी सई को? कौन से हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल में। रजत, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं इस लड़की ने हमारी बेटी सई के साथ क्या किया है, हमें तुरंत सिटी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। डॉक्टर, क्या सई नाम की एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर एडमिट है? आप क्या लगते हो उसके? मैं उसका फादर हूँ। आप कितने इरिस्पॉन्सिबल फादर हैं, और आपकी वाइफ, वो तो आपसे भी बढ़कर है। आप अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते कि वो क्या खा रही है, क्या पी रही है। अगर आपकी वाइफ उसे टाइम पर ना लाती तो आज आपकी बच्चे की जान भी जा सकती थी। मेरी वाइफ? हाँ, आपकी वाइफ। आपकी बच्ची ने एडल्ट वाला कफ सिरप पी लिया था, और पता नहीं शायद उसने पूरी बोतल पी ली है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल रहा था। अभी वो कहाँ पर है? अभी वो आईसीयू में है, और ठीक है, आप सब जाकर उससे मिल सकते हैं। मॉम, आप जाकर सई को देखो। आप अपनी बेटी को नहीं देखेंगे? डॉक्टर, सई को लेकर जो लेडी आई थी उसका नाम क्या था? क्या आप अपनी वाइफ का भी नाम नहीं जानते? मेरी कोई वाइफ नहीं है डॉक्टर, मैंने जितना पूछा है उतना बताओ, क्या नाम था उस लेडी का? उन्होंने वो फॉर्म भरा था तो उन्होंने अपना नाम भी लिखा होगा, तो आप उस पर चेक कर लीजिए। सभी भोसले, लेकिन सभी तो सई की फिक्र हो रही थी, कल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मॉम, सही रात में किसके साथ थी? रात में तो सही ममता के साथ सोई थी। सच सच बताओ ममता, तुमने क्या किया था सही के साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सही को खांसी हो रही थी तो मैंने उसे कफ सिरप पिला दिया था। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि बच्चों के लिए कौन सी दवाई होती और अडल्ट के लिए कौन सी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरी बच्ची की जान जा सकती थी। रजत, तू इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रहा है? आप अभी भी नहीं समझी, मॉम सवी ने हमारी बच्ची को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उसने सई की जान बचाई है। अगर वो इसको लेकर यहाँ अस्पताल में नहीं आती तो शायद आज सई हमारे बीच ना होती। तो गाइस, फाइनली अपने रजत को समझ में आ जाएगा कि सवी ने जो सई को किडनैप नहीं किया था, बल्कि सई को ले जाकर उसने सही किया था, जिससे कि सवी की जान बच पाए। क्योंकि जो डॉक्टर ने सबको सच बता दिया है कि कैसे एक लेडी ने सई को हॉस्पिटल में लेकर आई, जो रजत की वाइफ थी। लेकिन आपको पता है कि रजत की कोई अभी वाइफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर को तो यही लगा कि वो रजत की वाइफ होगी। डॉक्टर ने सभी को भी काफ़ी ज़्यादा सुनाया, और रजत को भी काफ़ी ज़्यादा सुनाया कि आप कितने गैर जिम्मेदार फादर और वाइफ हो, आपकी वजह से आपकी बच्ची की जान जा सकती थी। डॉक्टर अपनी जगह सही था, लेकिन जो रजत है वो समझ नहीं पाया। लेकिन फाइनली रजत को अब समझ में आ गया कि सभी ने सई को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उसने उसकी जान बचाई थी। अब रजत जाकर पहले तो ममता को, मतलब उसकी बेइज्जती करेगा और उसको समझाएगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची की जान जाते जाते बच गई। और यहाँ पे उसकी मॉम को भी समझ में आ जाएगा कि सभी को जैसा हम समझ रहे थे वो वैसी नहीं है। अब वो सीधे जाकर सभी और उसकी फैमिली को यहाँ से पुलिस स्टेशन से रिहा करवाएंगे, और उसके बाद में सबके सामने सभी से माफ़ी भी मांगेंगे। अब आगे जो है, रजत और उसकी पूरी फैमिली सही को साथ में लेकर जो है वो सभी की फैमिली, यानी कि जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाएंगे और उनको छुड़वा कर लाएंगे, और सभी और जो सभी की फैमिली है उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। यहाँ पे जो सभी है वो उनको साफ साफ बोल देती है कि हमसे आपको कोई भी मतलब नहीं है, और आप तो बोल रहे थे कि मैंने आपकी बच्ची को किडनैप किया है, अब आपको समझ में आ गया, आपको हर बार गलतफहमी होती है, हर बार आप मेरे से ऐसे ही सॉरी बोलते हो। और ऐसा बोलते ही उसको ईशान की याद आने लगती है, क्योंकि ईशान भी कुछ ऐसा ही करता था स्टार्टिंग में। ईशान भी उसके साथ कुछ ऐसा करता था, उसको भी पहले गलतफहमी हो जाती थी, और उसके बाद में ईशान भी रजत की तरह ही सॉरी बोला करता था। उसके बाद सभी जो है वो रजत और उसकी फैमिली को माफ़ कर देती है, लेकिन उसके बाद सभी की फैमिली और जो रजत है उसके दिल में सभी के लिए अलग ही इज्जत हो जाती है, मतलब अलग ही इज्जत बैठ जाती है, जिसके बाद जो रजत है वो सभी को एक गलत लड़की समझना बंद कर देता है। वो समझना स्टार्ट कर देता है कि सभी पैसों के पीछे उसके पीछे नहीं पड़ी थी, बल्कि उसको सच में सही की परवाह होती है, जिसकी वजह से अब जो रजत है वो उसको गलत लड़की नहीं समझेगा और उसको सभी के सही के साथ रहने की परमिशन भी दे देगा। और जो रजत की मोम है और जो ईशा है, उनके बीच में जो झगड़ा रोज़ रोज़ होता था वो भी अब ख़त्म हो जाएगा, वो भी एक अच्छी दोस्त बन जाएगी। लेकिन एंड टू एंड जब रजत की शादी नहीं होगी, रजत को कोई भी लड़की पसंद नहीं आएगी, और जो रजत की एक्स वाइफ है आशिका, उसने जो कोर्ट में कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया अपनी बेटी के लिए, उसके बाद रजत को एहसास होगा कि उसको शादी करनी होगी। अब उसकी फैमिली
काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ ढूंढने का ट्राई करती है, बट रजत को एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके पैसों से नहीं बल्कि सही से प्यार करे, और उसको नज़र में कोई और नहीं बल्कि सभी ही आती है। अब जो रजत है वो अपनी फैमिली को कैसे भी करके समझाएगा कि सभी ही वो लड़की है जो सही का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती है। इसके बाद जो है वो रजत की फैमिली है वो जाती है सभी की फैमिली के पास और उनको एक बोलती है कि आपकी जो बेटी है वो हमें चाहिए रजत की शादी करने के लिए। इसके बाद ईशा है वो चौंक जाती है पहले तो, लेकिन ईशा जो है वो सभी को एक कमरे में लेकर जाती है और उसे वहाँ पर पूछती है कि क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो यहाँ पर सभी हिचकिचाती है क्योंकि उसे रजत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसकी जो बेटी है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब रजत जो सभी है वो एक बड़ी ही दुविधा में फंस जाती है, लेकिन सही के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार होता है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन धीरे धीरे सही की वजह से और जो रजत की गलतफहमी दूर हुई है सभी की, तो इसकी वजह से भी रजत भी सभी के काफ़ी पास आ जाता है और उनकी दूरियां भी ख़त्म होने लगती है। अब जो आगे है ना वो कुछ ऐसा होने वाला है कि जैसे ही रजत और सभी की शादी वो फिक्स हो जाएगी वो सही के साथ काफ़ी खुश रहने लगेगी। रजत भी काफ़ी खुश होता है, सभी भी काफ़ी खुश होती है, तीनों ही खुश होते हैं क्योंकि तीनों को ही अपनी मंजिल मिल जाती है। सभी को एक पति और उसको एक बच्ची मिल जाती है क्योंकि वो एक कभी माँ नहीं बन सकती, तो उसके लिए भी आसान हो जाता है सारा काम और रजत के लिए भी आसान हो जाता है कि सभी को सही को एक अच्छी माँ मिल गई है जो कि मेरे पैसों से नहीं बल्कि सही से प्यार करती है। अब सब कुछ ऐसा चल रहा होता है, रजत भी सभी से धीरे धीरे प्यार करने लगता है, लेकिन जब रजत और सभी की शादी का टाइम आता है तब कुछ ऐसा होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब जो मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो एक थ्योरी है, तो उसको प्लीज़ यार पर्सनली मत लेना। जब रजत और सभी की शादी होती है ना तब हमको भोसले परिवार दिखाया जाता है, पूरा का पूरा भोसले परिवार दिखाया जाता है जिसमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जो अक्का साहब होती है उन्होंने ईशान को छुपा रखा है। जी हाँ, शो की TRP गिरने की वजह से जो मेकर्स है उनको एक फैसला लेना पड़ेगा जिसमें ईशान को वो वापस से लाएंगे, कुछ टाइम के लिए लाएंगे लेकिन उसकी रीएंट्री ज़रूर से होगी, जिसमें जब रजत और सभी की शादी होगी तब ईशान की रीएंट्री कराई जाएगी। अब ये एक थ्योरी है, इसको प्लीज़ पर्सनली मत लेना, ठीक है? ये बहुत सारी फैल रही है अभी, रूमर्स फैल रहा है, तो ये एक थ्योरी है, तो प्लीज़ इसको पर्सनली मत लेना, ओके? तो जब रजत और सभी की शादी होती है तो मंडप में एक टाइम पे अपना ईशान की एंट्री हो जाती है और सभी ईशान को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और इसको पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। और जहाँ पर ईशा और शांतनु भी ईशान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ईशान ज़िंदा कैसे, क्योंकि उनके सामने ही ईशान ने अपना दम तोड़ दिया था और ईशान उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। लेकिन जब ईशान वापस लौट कर आता है तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि हमारे सामने कोई और नहीं बल्कि ईशान है। लेकिन जब शांतनु, ईशा और सभी ईशान के पास जाते हैं तब उन्हें ये एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ईशान ही है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि कुछ टाइम पहले ही ईशान की याददाश्त चली गई थी और अब जो ईशान की याददाश्त वापस आई है तब वो सभी के पास ढूंढता हुआ उसको आया है उसके पास। लेकिन जो साथ के साथ अक्का साहब भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती कि ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ पर जो ईशान होता है वो सभी से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसने उसके वादे का मान रखा, क्योंकि ईशान ने जाते जाते ईशा और शांतनु को बोला था कि आप सभी की कोई एक ऐसे लड़के से शादी कराएंगे जो मुझसे भी ज़्यादा उससे प्यार करेगा, और फाइनली उसे एक ऐसा लड़का मिल गया। अब जो ईशान है वो अक्का साहब को समझाएगा कि सभी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और सभी जो है अब रजत से ही उसकी शादी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ईशान रोते हुए ये बात बोलेगा, लेकिन यहाँ पर जो सभी है उसका अब दिल नहीं मानने वाला है क्योंकि उसका बीता हुआ कल उसके सामने था और उसके आने वाला कल भी उसके सामने था, यानी कि सभी सही और ईशान, रजत की बेटी और ईशान दोनों उसके सामने थे। अब उसको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पर जो सभी है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है और ईशान को बात करते करते ही बेहोश हो जाती है, जिसको रजत और ईशान हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और उसके बाद उस जब उसको होश आता है तो उसको सब पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। सभी ईशा पूछती है उससे, लेकिन जो सभी होती है वो कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसके सामने बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि ईशान और रजत दोनों ही उसके सामने, अब उन दोनों में से उसे किसी एक को चूज़ करना होगा। लेकिन जो ईशान है वो साफ साफ सभी से बोल देता है कि तुम अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो और तुम्हें शायद अब मुझे भुलाकर रजत से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और साथ ही साथ सही को भी एक माँ का प्यार चाहिए और तुम ही उसके लिए एक परफेक्ट माँ बन सकती हो। जिसके बाद सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ ही साथ ईशान के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद रजत इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देता है कि आखिर
ये ईशान कौन है, जिसके बाद रजत को सभी के पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे कौन ईशान था, सभी का पास्ट क्या है और भोसले परिवार कौन है, जिसके बाद रजत को सब कुछ सच्चाई सामने आ जाती है कि आखिर सभी यहाँ पर 2 BHK फ्लैट में क्यों रहती है जबकि पास उसके पास इतने पैसे हैं। और यहाँ पर अक्का साहब भी रजत को बताते हैं कि यहाँ पर जो भोसले परिवार है वो कोई भी छोटा मोटा परिवार नहीं है बल्कि एक खानदानी रईस परिवार है, जिसके बाद रजत को समझ में आ जाता है कि सभी हमेशा से उसके पैसों को पीछे नहीं पड़ी थी बल्कि सभी तो ऑलरेडी ही पैसे वाले घर से आती है। जिसके बाद रजत और उसकी माँ को ये समझ में आ जाता है कि सभी कोई छोटे मोटे परिवार से नाता नहीं रखती है बल्कि वो तो रईस भोसले परिवार से नाता रखती है। अब उनको ये समझ में आ जाता है कि सभी कौन है, भोसले परिवार कौन है और ये ईशान कौन है, जिसके बाद रजत भी उसे एक बार तो बोल देता है कि तुम्हें शायद अपने बीते हुए कल को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सभी के मन में अब जो रजत की बेटी है उसको लेकर एक दुविधा है कि अगर वो उसकी माँ नहीं बनेगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा। और जो रजत है उसके मन में भी यही लगा होता है कि अगर सभी ने उससे शादी नहीं की तो सही का क्या होगा, क्योंकि रजत के मन में कहीं ना कहीं अभी भी लड़कियों के लिए वही मेंटालिटी है कि लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी होती है। जिसके बाद जो वो रजत के मन में भी यही ख्याल आता रहता है कि अब सभी किसको चुनेगी, जिसके बाद सभी जो है फिर भी ईशान को नहीं चुनती है और आखिर में जो है सभी रजत को ही चुनती है क्योंकि उसे पता है कि जो है वो सही को एक माँ की ज़रूरत है और सही रजत की बेटी है तो उसे रजत के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद ईशान भी उसके इस फैसले से खुश होता है और इतना कहकर ये सब होने के बाद ईशान भी सीरियल से चला जाता है।